नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्लीवेज। क्लीवेज को विकलन भी कहा जाता है। देखो क्या होता है क्लीवेज, हमने फर्टिलाइजेशन कर लिया। फर्टिलाइजेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जहां पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है वो स्थल कहलाता है एम्पुला स्टमस जंक्शन, जहां पर सेकेंडरी ओसाइट और जो स्पर्म है इन दोनों का आपस में अटैचमेंट होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, जिस दौरान ये बनाते क्या है, ओवम बनाते हैं या फिर एग बनाते हैं। अब ये जो एग होता है इसके अंदर क्या होता है, लगातार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। यानी एग के अंदर लगातार या बारंबार जो समसूत्री विभाजन होते हैं इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज के दौरान क्या होता है, मोरूला और ब्लास्टूला जो स्टेजेस हैं उनका निर्माण होता है। तो हम बात करेंगे क्लीवेज की, तो देखो सबसे पहले क्लीवेज जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, द वर्ड क्लीवेज गिवन बाय, देखो द वर्ड क्लीवेज गिवन बाय वॉन बियर। क्लीवेज जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, वॉन बियर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो स्वेमर्डम नामक साइंटिस्ट है इसके द्वारा भी क्या है, क्लीवेज नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है, दोनों ही नाम आप याद रख सकते हो, वॉन बियर और स्वेमर्डम नामक साइंटिस्ट ने किसका नाम दिया, क्लीवेज। तो देखो क्लीवेज है क्या, यह मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यह मल्टी सेलुलर प्राणियों की प्रथम अवस्था होती है, बहुकोशिकीय प्राणियों की फर्स्ट स्टेज होती है या प्रथम अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, क्लीवेज कहलाती है। यानी कि यह मल्टी सेलुलर प्राणियों की प्रथम अवस्था या बहुकोशिकीय प्राणियों की क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, जिस दौरान मोरूला व ब्लास्टूला स्टेजेस का निर्माण होता है। तो ये है क्लीवेज। क्लीवेज को अगर हम अच्छे से डिफाइन करें तो देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर यहां पे मैंने, ये है ओवेरी वाला पार्ट, ये है फिम्ब्री वाला पार्ट,
ये है ओविडक्ट, और यदि हम बात करें तो यहां पे जो पाया जाता है वो होता है सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट जिस रीजन में मिलता है वो है एम्पुला रीजन, और यहां पे ये रीजन है इस्थमस रीजन, और यहां पे जो स्पर्म है और ये है सेकेंडरी ओसाइट, इन दोनों का क्या होता है यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान यहां पे सबसे पहले टू सेल स्टेज बनती है, फिर यहां पे फोर सेल स्टेज, और यहां पे जो है जो सेल 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। देखो ये है सबसे बाहरी लेयर पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और ये जो है ये है एंडोमेट्रियम। देखो क्लीवेज को समझाने के लिए हमने सबसे पहले इस डायग्राम की हेल्प ली, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं ये जो है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसके अंदर यदि मैं कहूं कि जो स्पर्म है, देखो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जानते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरी के दौरान यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरी से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, जो कि कौन से दिन होता है, 14वें दिन रिलीज होता है। 14वें दिन क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। ये सेकेंडरी ओसाइट कौन से रीजन में पहुंचता है, एम्पुला रीजन में। इसी दौरान यदि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो यहां से जो स्पर्म है वो वेजाइना से सर्विक्स से होते हुए यूटेराइन कैविटी के अंदर से होते हुए पहुंचते हैं कहां पर, इस्थमस जंक्शन के अंदर। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये आपको बात बताई थी कि इस्थमस जंक्शन से आगे की तरफ एक जंक्शन होता है इन दोनों का मिलने का, जिसे हम कहते हैं यानी ये वाला जो जंक्शन है इसे हम कहते हैं इस्थमस एम्पुला जंक्शन। इस्थमस एम्पुला जंक्शन हम इसे नाम देते हैं। देखो हमने बात की कि ये है इस्थमस एम्पुला जंक्शन, यहां पर दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब यहां से स्पर्म पहुंचते हैं और यहां से सेकेंडरी ओसाइट पहुंचता है तो यहां पर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जिस दौरान क्या बनता है, ओवम बनता है। यदि मैं कहूं इसी डायग्राम को देखो, यहां पर मैंने कहा इन दोनों के मध्य फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा क्या, ओवम। अब प्रोसेस क्या होती है, देखो इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अब प्रोसेस होती है कि देखो जो ओवम है, ये जो ओवम है ये चेंज होता है टू सेल स्टेज में। ओवम जो है वो चेंज होता है टू सेल स्टेज के अंदर। टू सेल स्टेज आगे कन्वर्ट हो जाती है यहां पे फोर सेल स्टेज में, लेकिन इनके चारों तरफ जो आवरण रहता है वो किसका है, जोना पेलुसिडा का आवरण रहता है। जोना पेलुसिडा का आवरण फोर सेल स्टेज से यहां पे बनती है एट सेल स्टेज। ये बन गई आपकी एट सेल स्टेज। एट सेल स्टेज से बनती है यहां पे 16 सेल स्टेज। तो ये जो है ये है 16 सेल स्टेज। इस 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं मोरूला, जोना पेलुसिडा की लेयर। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम बनता है। ओवम जो होता है उसके अंदर लगातार क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन की प्रोसेस होती है, यानी कि माइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो होता क्या है, जब किसी भी ओवम के अंदर या एग के अंदर लगातार माइटोसिस होता है या समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, तो यह जो आपको मैंने तो आकार में बढ़ा दिया इसको, लेकिन एक बात याद रखना कि जो ओवम है या एग है ये अपने आकार में वृद्धि नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल इनमें कोशिकाओं का विभाजन पाया जाता है। लेकिन जो ओवम है इसके आकार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, आकार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बताया है मैंने, यहां पे बड़ा बनाया है कि जो ओवम होता है इस ओवम के अंदर लगातार क्या होता है, माइटोसिस होता है। जब माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी, तो ओवम जो है बिना आकार में वृद्धि किए अपनी कोशिकाओं को डिवाइड करता रहता है, यानी ओवम के अंदर कोशिकाएं जो है वो लगातार विभाजित होती रहती है। इसी इससे 2 सेल 4 सेल 8 सेल और 16 सेल स्टेज बनती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। यानी कि जब ओवम के अंदर ओवम जो है वो बिना आकार में वृद्धि किए अपनी कोशिक बिना आकार में वृद्धि किए लगातार समसूत्री विभाजन करके एक कोशिकीय जाइगोट से बहुकोशिकीय जाइगोट बनाता है या बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। तो देखो क्लीवेज की डेफिनेशन क्या होगी, हम बात करते हैं क्लीवेज की डेफिनेशन की, कि एक कोशिकीय जाइगोट से एक कोशिकीय जाइगोट में एक कोशिकीय जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होने पर यह अपने आकार में बिना वृद्धि किए बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाता है, बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को विदलन या क्लीवेज कहा जाता है। क्लीवेज या विदलन कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन होगी कि एक कोशिकीय जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होने पर यह अपने आकार में बिना वृद्धि किए बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि यह बहुकोशिकीय प्राणियों के निर्माण की क्या है, प्रथम अवस्था है। तो देखो क्लीवेज को कई नामों से अन्य नामों से जाना जाता है। क्लीवेज को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जिसमें पहला आता है सेजमेंटेशन, दूसरा जो होता है वो होता है सेल्यूलेशन। क्लीवेज को सेल्यूलेशन भी कहा जाता है, सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
खंडों की संख्या जो है, यानी कि कोशिका ओवम के अंदर जो खंड है वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, एक से दो खंड बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह और सोलह से 32 खंड बनते हैं, जिस कारण इसे सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। और यदि बात करें सेल्युलेशन की, तो सेल्युलेशन का मतलब होता है कोशिका भवन। तो देखो आपने देखा कि क्लीवेज की प्रक्रिया में जो अंडा होता है वो अपने आकार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर रहा है, उसके अंदर ही क्या हो रहा है, एक कोशिकीय अवस्था बहुकोशिकीय अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इस कारण इसे क्या नाम दिया जाता है, सेल्युलेशन भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं देखो कि जो क्लीवेज होता है, इस क्लीवेज के दौरान आपको एक बात और बता दूं मैं, हाँ, क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनती हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह सेल, यानी जो ये सेल्स बनती हैं, इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है इन सेल्स को, यानी क्लीवेज के दौरान, यानी कि क्लीवेज के दौरान जो सेल्स डिवाइड होकर बनती रहती हैं, इन सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अर्थात ये जो सेल्स का आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब ये कहूं कि ये जो सेल्स अंदर डिवाइड करके 16 सेल स्टेज बनी है, इन सभी सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो ब्लास्टोमियर्स है, क्लीवेज के दौरान बनने वाली सेल्स को क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमियर्स नाम देते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज की, स्पेशल फीचर्स ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज के स्पेसिफिक करेक्टर कह दो या स्पेशल फीचर्स कह दो। तो देखो सबसे पहला फीचर्स तो क्या हो जाएगा कि क्लीवेज के दौरान बनने वाली जो सेल्स होती हैं, क्लीवेज के दौरान बनने वाली सेल्स ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। ब्लास्टोमियर्स कहलाती है। दूसरा पॉइंट देखो, क्लीवेज के दौरान ऑक्सीजन की जो खपत होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जब एग के अंदर क्लीवेज की प्रक्रिया होती है, एग के अंदर क्लीवेज की प्रक्रिया होती है, तो उस दौरान ऑक्सीजन या O2 की खपत बढ़ जाती है, यानी क्लीवेज के दौरान क्या है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। फिर हम बात करें क्यों, क्योंकि इस दौरान उपापचय दर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इस दौरान उपापचय दर में भी वृद्धि होती है। तो ये आपके हम बात कर रहे हैं स्पेशल फीचर्स की। तीसरा फीचर्स देखो, तीसरा फीचर्स है क्लीवेज की दर का निर्धारण, क्लीवेज की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य करता है, ना कि केंद्रक। क्लीवेज की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य करता है, ना कि केंद्रक। अर्थात जो क्लीवेज की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड करती है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पर डिपेंड करती है। और यदि हम बात करें क्लीवेज के दौरान जो प्रोसेस होती है, क्लीवेज के दौरान एक
खोखली गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है क्लीवेज के दौरान। एक खोखली गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं एवं इसकी कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है। इसकी कैविटी को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसील कैविटी कहा जाता है। तो देखो, और नेक्स्ट अगर यदि हम करेक्टर्स की बात करें, जो सबसे मेन होता है यह भ्रूणीय विकास यानी भ्रूण के विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था होती है जिस दौरान बहु कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया जो होती है फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया यानी क्लीवेज की जो प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद प्रारंभ होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद इसमें क्या होगा? क्लीवेज की प्रक्रिया। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो ओव्यूलेशन के दौरान यानी कि यह मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी ओवेरी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसके अंदर जो एग रिलीज होता है या जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है उसका लाइफ उसकी जो टाइम पीरियड है जीवन अवधि जो होती है वो 24 आवर्स ही होती है। इसी प्रकार स्पर्म का जो जीवन अवधि है वो भी कितनी है? 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद ये क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या है इनसे एक ये ओवम में चेंज होते हैं और ओवम जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है किसमें? जाइगोट के अंदर परिवर्तित होता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो स्पर्म भी डीजेनरेट हो जाएंगे 24 आवर्स के बाद और जो ओवम है वो पूर्णतः 24 से 48 आवर्स तक उसकी जो लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की कि क्लीवेज के जो तल होते हैं वो क्या होते हैं। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज विदलन के तलों की विदलन के तल। देखो प्लेन्स ऑफ क्लीवेज जो होता है विदलन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो देखो विदलन क्या होता है कितने प्रकार का होता है? तो देखो सबसे पहला जो क्लीवेज होता है वो होता है यहां पे हम बात करें तो पहला जो होता है वो होता है मेरीडियोनल क्लीवेज। दूसरा जो होता है वो होता है इक्वेटोरियल क्लीवेज। तीसरा जो क्लीवेज होता है वो होता है वर्टिकल क्लीवेज। चौथा जो क्लीवेज पाया जाता है वो होता है लैटिट्यूडिनल क्लीवेज। चार प्रकार का क्लीवेज जो है यानी प्लेन्स ऑफ क्लीवेज जो विदलन के चार तल होते हैं वो टोटल होते हैं चार प्रकार। देखो तो हमने बात की यहां पे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की कि विदलन के जो तल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार का जो क्लीवेज है वो पाया जाता है जिसमें सबसे पहला जो है वो कहलाता है रेखांकित तल। मेरिडियोनल को कहते हैं रेखांकित तल। दूसरा जो आपका क्लीवेज होता है वो है यहां पे
इक्वेटोरियल जिसको बोलते हैं विषुववृत्तीय तल, विषुववृत्तीय तल, वर्टिकल को बोलते हैं उदग्र तल, और लैटिट्यूडनल जो होता है उसे हम कहते हैं अक्षांशीय तल। अक्षांशीय तल चार प्रकार के प्लेन्स ऑफ क्लीवेज पाए जाते हैं। देखो वन बाय वन हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो क्लीवेज है वो है यहां पे आपका मेरी डियोनल क्लीवेज। देखो मेरिडियोनल क्लीवेज होता क्या है, मेरिडियोनल क्लीवेज होता है जब, इसको हम हिंदी में कहते हैं रेखांकित तल, जब वितलन खाज ध्रुवीय अक्ष से गुजरती हुई जायगोट के दोनों ध्रुवों को विभाजित करें। जब विदलन खाज ध्रुवीय अक्ष से गुजरे तो यह, जब विदलन खाज ध्रुवीय अक्ष से गुजरे तो यह जायगोट के दोनों ध्रुवों को, जायगोट के दोनों ध्रुवों को द्विविभाजित करे। द्विविभाजित करे तो ऐसा क्लीवेज मैरी डियोनल क्लीवेज कहलाता है, मेरिडियोनल क्लीवेज कहलाता है एवं इस प्रकार के तल को, इस प्रकार के प्लेन्स को या तल को मेरिडियोनल प्लेन्स कहते हैं। देखो होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अंडा जो होता है, मान लो ये अंडा है, अंडे के अंदर दो पोल पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो पोल होता है वो होता है एनिमल पोल, ऊपर वाला जो पोल होता है वो कहलाता है एनिमल पोल, और नीचे वाला जो पोल होता है वो होता है वेजिटल पोल। वेजिटल पोल में पाया जाता है योग, और जो एनिमल पोल होता है इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाला भाग होता है। देखो अंडे के दो ध्रुव होते हैं, ऊपर वाला ध्रुव जो होता है वो प्राणी ध्रुव होता है जिसको हम एनिमल पोल कहते हैं, नीचे वाला जो ध्रुव होता है वो होता है वेजिटल पोल या कायिक ध्रुव। एक प्राणी ध्रुव है, एक कायिक ध्रुव है। अब आपको देखो डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि जब विदलन खाच ध्रुवीय अक्ष से गुजरे तो यह दो जाइगोट के दोनों ध्रुवों को द्विविभाजित करे तो ऐसा क्लीवेज मेरिडियोनल क्लीवेज कहलाता है। विदलन खाच ध्रुवीय अक्ष से गुजर गई और जो एनिमल पोल है और वेजाइटल पोल है इसको द्विविभाजित कर दिया, एक इधर भाग हो गया और एक तरफ यह भाग हो गया। तो देखो यदि हम बात करें इस प्रकार के क्लीवेज की तो यह कहलाता है मेरिडियोनल क्लीवेज। यह कौन सा कहलाएगा, मेरिडियोनल क्लीवेज, यानी जब विदलन खाच ध्रुवीय अक्ष से गुजरे और जायगोट को या एग के अंदर जो जायगोट है उसको द्विविभाजित करते, दो भागों में विभाजित करते तो इस प्रकार के क्लीवेज को हम कहते हैं मेरिडियोनल क्लीवेज, और इस प्रकार के प्लेन्स को कहते हैं मेरिडियोनल प्लेन्स। तो यहां पे यदि हम बात करें एग्जांपल की तो मेंढक के अंदर और एम्फियोक्सिस के अंदर, मेंढक व एम्फियोक्सिस में
मेंढक व एम्फियोक्सिस में इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो पाया जाता है। तो पहला जो क्लीवेज है वो आपको समझ आया होगा कि मेरिडियनल क्लीवेज के अंदर अंडे को बीच में से क्या किया जाता है, दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें ऊपर वाला पोल आपका रह गया कौन सा एनिमल पोल और नीचे वाला वेजाइटल पोल। कुछ मात्रा में एनिमल पोल के दो हिस्से हो गए और कुछ मात्रा में वेजाइटल पोल भी कितना कितने हिस्से हो गए वेजिटल पोल के भी दो। तो यहाँ पे हमने बात की है द्वि विभाजित करे, द्वि का मतलब दो बार, यानी दो दो भागों में विभाजित कर दे, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ। तो ये हो गया आपका जो मेरिडियनल क्लीवेज। दूसरा देखो, दूसरा जो है वो आता है वर्टिकल क्लीवेज। वर्टिकल क्लीवेज उदग्र विदलन, उदग्र तल, उदग्र 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 तल या उदग्र वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो कि क्या होता है इस प्रकार के क्लीवेज के अंदर। वर्टिकल का मतलब यहां पे क्या होता है, देखो जब विदलन खांच में विदलन, जब विदलन तल में विदलन खांच सक्रिय रूप से अल्पप्रिय ध्रुव की ओर उत्तर चले, जब विदलन तल में विदलन खांच जब विदलन तल में विदलन खांच सक्रिय ध्रुव से अल्पक्रिय ध्रुव की ओर चले, अल्पक्रिय ध्रुव की ओर चले परंतु ध्रुवीय अक्ष से न गुजरे, परंतु ध्रुवीय अक्ष से न गुजरे, इस प्रकार के क्लीवेज को वर्टिकल क्लीवेज कहते हैं एवं इस तल को वर्टिकल प्लेन कहते हैं। हमने यहां पे बात की वर्टिकल प्लेन की, एग्जांपल है इसका एमिया कालवा और चूजे के अंदर, एमिया के अंदर और चूजे के अंदर इस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। हम वही एग बनाते हैं, एग के अंदर आपको पता है ऊपर वाला पोल कौन सा है एनिमल पोल, नीचे वाला पोल कौन सा है वेजिटल पोल, यानी यहां पे मैं एपी लिख देता हूं और यहां पे नीचे की तरफ वीपी लिख देता हूं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। ध्रुवीय अक्ष से ना गुजरे, देखो जब विदलन तल में विदलन खांच सक्रिय ध्रुव से अल्पक्रिय ध्रुव, नीचे वाला और ऊपर वाला, सक्रिय ध्रुव और अल्पक्रिय ध्रुव, देखो ये विदलन खांच चली एक दो, ध्रुवीय अक्ष से नहीं गुजरी, यानी हमने बात की थी कि जब विदलन तल में विदलन खांच का मतलब होता है क्लीवेज प्यूरो, क्लीवेज प्यूरो इसको बोलते हैं विदलन खांच, जब विदलन तल में विदलन खांच सक्रिय ध्रुव से अल्पक्रिय ध्रुव की ओर चले परंतु ध्रुवीय अक्ष से नहीं गुजरे, ध्रुवीय अक्ष ये मिड वाला पार्ट हो गया इसमें ध्रुवीय अक्ष से नहीं गुजर रही है, तो इस प्रकार के क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, यहां पे हम कहते हैं वर्टिकल क्लीवेज, वर्टिकल क्लीवेज, और इस प्रकार के प्लेन को हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। तो ये आपको दोनों चीजें मिल गई होंगी कि वर्टिकल क्लीवेज और वर्टिकल प्लेन क्या होती है। तो देखो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हमने चार प्रकार की बात की है, हमने अब तीसरा जो होता है इक्वेटोरियल प्लेन,
इक्वेटोरियल क्लीवेज और प्लेन, इक्वेटोरियल क्लीवेज और प्लेन। देखो इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल का मतलब होता है ये एग है, ये इसका एनिमल पोल, ये इसका वेजिटल पोल, ये लो जो इक्वल हो गया, एनिमल पोल अलग वेजिटल पोल अलग। इस प्रकार के क्लीवेज या प्लेन्स को हम कहते हैं इक्वेटोरियल, यानी कि ये जो है ये है इक्वेटोरियल प्लेन्स और क्लीवेज। तो देखो डेफिनेशन के अंदर क्या है, डेफिनेशन होती है जब वितरण खांच ध्रुवीय अक्ष पर समकोण हो, जब विदलन खांच ध्रुवीय अक्ष पर समकोणिक हो एवं ध्रुवीय अक्ष को दो समान भागों में विभाजित करें, एवं ध्रुवीय अक्ष को दो समान भागों में विभाजित करें, ध्रुवीय अक्ष को दो समान भागों में विभाजित करें तो इस प्रकार के क्लीवेज को इक्वेटोरियल क्लीवेज एवं इस प्रकार के तल को इक्वेटोरियल प्लेन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपको एम्बिस्टोमा, एम्बिस्टोमा जो है उसके अंदर इस प्रकार का जो है वो क्लीवेज पाया जाता है। लास्ट हमारा जो रह गया वो है, यहां पे हमने बात कर ली इक्वेटोरियल वर्टिकल और मेरिडियनल की, लास्ट वाला जो है वो है लैटीट्यूडिनल या फिर होरिजॉन्टल क्लीवेज, लैटिट्यूडनल या होरिजॉन्टल क्लीवेज या प्लेन्स। देखो लैटिट्यूडनल ये एग है, यहां पे एग को यदि आपने इस तरीके से भी बांट दिया, इस तरीके से भी बांट दिया, यदि इसको इस तरीके से बांटा जाए, इस तरीके से बांटा जाए तो आपको पता है ऊपर वाला प्लेन्स कौन सा, ऊपर वाला एनिमल पोल है, नीचे वाला है वेजिटल पोल। तो ये जो इस प्रकार का जो है वो क्या कहलाएगा, लैटिट्यूडिनल क्लीवेज। देखो यहां पे हमने इसे दो भागों में बांट दिया। देखो अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के क्लीवेज में वितलन खांच, इस प्रकार के क्लीवेज में वितलन खांच जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से, जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटती है एवं सक्रिय व अल्प
वह सक्रिय अल्पक्रिय ध्रुव अक्ष के संपूर्ण पर होती गुजरती है एवं सक्रिय व अल्पक्रिय ध्रुव के अक्ष पर संपूर्ण बनाती हुई गुजरती है परंतु अक्षों के केंद्र से नहीं गुजरती परंतु अक्षों के केंद्र से नहीं गुजरती है। एग्जाम्पल है इसका यहां पे मेंढक वे एम्फियोक्सिस में थर्ड क्लीवेज जो है इस प्रकार का पाया जाता है। तो यहां पे आज हमने बात की कि किस प्रकार से जो क्लीवेज की प्रक्रिया है वो होती है। तो यहां पे हमने बात की आज क्लीवेज की, जाइगोट के अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिके जाइगोट बहु कोशिके जाइगोट में चेंज हो जाएगा बिना आकार में वृद्धि किए, इसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज को वॉन बेयर ने प्रस्तुत किया है, या फिर हम अन्य नाम भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन क्लीवेज के अंदर जो क्लीवेज की प्रक्रिया के अंदर जो सेल्स डिवाइड होकर बहुत सारा एक बंच बनाती है, गुच्छों कोशिकाओं का एक बंच बनाती है या गुच्छा बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लीवेज से आगे की प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसमें मोरूला ब्लास्टूला गैस्टूला स्टेजेस आती हैं। तो तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।